राइट सो टूडेबर और ट्वेल्थ डिसम्बर के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं सो so, ये द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले टुडे टूडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी देख लेते हैं तो देखो सेल्फ डाउट्स इन्फ्लिक्ट द डीपेस्ट वर्ंडस तो कल भी मैंने यही वाला पिंच ऑफ पॉजिटिविटी रखा था लेकिन बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इश्यूज मेरा कन्वे नहीं हो पाया था तो चलो सेल्फ uh, डाउट जो है वो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट वुंड्स आपको देते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखो कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ आगे नहीं कर पाओगे या आपको सेल्फ डाउट्स घेर रहे हैं उस टाइम पे सिर्फ एक चीज़ याद रखो दैट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग एवरी ओके एंड स्पेशली दो थिंग्स विच यू हैव ड्रीम्ड ऑफ और तो आप कभी भी सेल्फ डाउट अगर आपके मन में आता है उसको वहीं के वहीं ख़त्म कर दो बिकॉज इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ फंड ओके एंड कॉन्फिडेंस गिराता है वो अलग है तो विद दिस पॉजिटिविटी आगे बढ़ते हैं ओनली वन सेवेंटी फाइव डेज आर लेफ्ट फॉर प्रलिम्स ट्वेंटी ट्वेंटी आप लोगों ने मुझसे बोला था कि आपको एक स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए तो सौरभ सर की एक स्ट्रेटजी वीडियो हमारे चैनल पे आ चुकी है विच टॉक्स अबाउट सिक्स मंथ स्ट्रेटजी ठीक है फॉर यूपीएससी तो उसमें उन्होंने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया है कि मेंस में कितना टाइम आपको देना चाहिए आइडियली डी में कितना देना चाहिए तो अगर आप चाहो तो आप उसको देख सकते हो और राइट ना दो हमारे आंसर राइटिंग सेशन आए हैं कौन कौन से session है? एक तो है आंसर uh, राइटिंग का एक है ऐसे राइटिंग का सेशन ठीक है ये दोनों पेड कोर्सेज हैं हमारे एंड जो हमारा ऑनलाइन यूट्यूब पे होता था आंसर राइटिंग सेशन और एसे राइटिंग सेशन उसी को सक्सेस को देखते हुए उसकी ये दोनों कोर्सेज लाए गए हैं एंड दीज विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर मेन्स प्रिपरेशन तो आई हाइली रिकमेंड कि आप लोग अगर मेन्स की प्रिपरेशन कर रहे हो अभी तो डू गो फॉर दिज दीज कोर्सेज ओके आगे बात करते हैं आज के टॉपिक्स की तो देखो जी में आर्ट एंड कल्चर में से हम डिस्कस करेंगे चकमा एंड हैजॉ तो ये दोनों क्या है ये दोनों एक तरह के क्योंकि कम्युनिटीज एक तरह का सेक्शन है ठीक है हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं इनको डिस्कस करेंगे ट्राइब्स हैं बेसिकली देन जी टू में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में इंडियाज मेडिकल एड टू अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान की पहली अफगानिस्तान को पहली मेडिकल एड इंडिया की तरफ से गई है यहाँ पे इसको देखेंगे देन यूएस ऑन बांग्लादेश फोर्स इसके बारे में देखेंगे यूएस ने चाइना और म्यांमार के ऊपर भी यहाँ पे कुछ सैक्शन लगाए हैं इसको देखेंगे जी सेवन के बारे में देखेंगे जी थ्री में हम यहाँ पे डिफेंस में पिनाका के बारे में देखेंगे कि पिनाका क्या है एंड साइंस एंड टेक में यहाँ पे डार्क मैटर के बारे में देखेंगे हम और इसके अलावा ओमिक्रॉन के जो सब लीनियज एक सब लीनियज ओमिक्रॉन का सामने आया है इसको भी देखेंगे डिस्कस करेंगे एंड जिस फोर में वी हैव नथिंग फॉर टुडे ठीक है तो शुरू करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो है इंडिया सेंड्स मेडिकल रिलीफ इन अफगानिस्तान ओके तो इंडिया ने मेडिकल रिलीफ भेजा है अफगानिस्तान में अब आप सभी को पता है अफगानिस्तान में अब तालिबान रूल कर रही है ठीक है और इसके कारण काफी ज्यादा इकोनॉमिक क्रंच काफी ज्यादा सोशो इकोनॉमिक क्रंच जहाँ पे देखने को मिल रहे हैं फूड सिक्योरिटी का इशू है बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ हैं ठीक है पेंडेमिक भी था अभी तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं अभी विंटर्स आ गई हैं तो यहाँ पे चिलिंग विंटर्स भी हैं तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही बुरी कंडीशन अभी हो गई हैं अब इंडिया जो है तालिबान को इंडिया ने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है एज अ लेजिटिमेट पावर फॉर अफगानिस्तान ठीक है हालांकि कुछ कुछ कंट्रीज कर भी चुकी है इंडिया ने अभी तक इसको लेजिटिमेट पावर की तरफ रिकोगनाइज नहीं किया है पहली चीज तो ये लेकिन इंडिया क्योंकि इंडिया इज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडिया इज अ रिस्पॉन्सिबल पावर ऑफ द रीजन इसीलिए इंडिया हमेशा डेमोक्रेसी पे बिलीव करता है और डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन पीपल ऑफ़ द नेशन ठीक है और इसीलिए इंडिया मानता है कि यहाँ के लोगों को ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचाना चाहिए और इसीलिए इंडिया काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था कि यहाँ तक ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचाया जाए और अब जाके फाइनली इंडिया पहुँचा पाया है ह्यूमैनिटेरियन एड अफगानिस्तान के लोगों तक ठीक है और ये यह यहाँ पे किसको हैंड करके आएगा ये हैंड करके आएगा जो

लैंड को कनेक्टिविटी को हमारे यूज नहीं कर सकते अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए तो पाकिस्तान बीच बीच में अड़ंगे डाल रहा था लेकिन अल्टीमेटली अब इंडिया का पहला ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंच चुका है अफगानिस्तान में एंड एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे लगी आप लोगों को भी देखना चाहिए इसमें जो टैग लगा हुआ था वो लिखा हुआ था गिफ्ट फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया दिस रिप्रेजेंट डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ इंडिया ठीक है कि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं था यहाँ पे नाम जो दिया गया दैट वॉज फ्रॉम तो okay. so, ये मेजर चीज है यहाँ पे देखने लायक इसको आप कोट भी कर सकते हो अपने आंसर्स में ओके okay. इसके अलावा इंडिया के साथ साथ अभी तक बहुत सारी कंट्रीज हैं जैसे ईरान कतर यू ए तुर्कमेनिस्तान पाकिस्तान इन सब ने भी अभी तक एड पहुंचाई है अफगानिस्तान को ठीक है और फाइनली अब जो है एक ऑपरेशन देवी शक्ति के बारे में आपको पता होना चाहिए ऑपरेशन देवी शक्ति जो था ये था कब आया जब तालिबान बहुत ज्यादा आ गया था मतलब जब तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था अफगानिस्तान के ऊपर तब ऑपरेशन देवी शक्ति इंडिया ने चलाया था जिसमें कि इंडिया के जो फोर्सेज हैं वो इवेक्युट करके लाई थी हमारे इंडियन सिटीजन को और वहां के कुछ माइनॉरिटी सिटीजन को इंडिया में ठीक है तालिबान से बचाने के लिए तो लगभग छह सौ साठ छह सौ सत्तर लोगों को लेकर आई थी इंडियन फोर्सेस इंडिया में ठीक है तो ये एक ऑपरेशन देवी शक्ति के बारे में आपको पता होना चाहिए दूसरी चीज ये कि तालिबान भी कंटिन्यूअसली ह्यूमैनिटेरियन एड की मदद मांग रहा है ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए हेल्प मांग रहा है बाकी सारे नेशन से इंटरनेशनली हालांकि हमने तालिबान को अभी तक रिकोगनाइज नहीं किया है लेकिन हमने ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाई है अफगानिस्तान तक तो बस छोटा सा इशू था जो आपको पता होना चाहिए ओके okay. आगे बात करते हैं हाँ अमन आई डिन नॉट टेल यू अबाउट द ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री कोर्स बिकॉज आई एम नॉट नोइंग अबाउट इट क्योंकि अभी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में थोड़ा सा टाइम है तो अगर हमारा ऐसा कोई भी कोर्स आता है तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा अभी अभी तक हमने इसके लिए प्लान नहीं किया है बहुत जल्दी इसके लिए प्लान भी होगा ओके okay. uh, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की यू एस बैंड ऑन पैरा यूनिट्स टंस ढाका तो देखो यूएस ने यहाँ पे यूएस की एक काउंसिल है जिसका नाम है यूएस ट्रेजरी ठीक है इन्होंने यहाँ पे यूएस ट्रेजरी ने कुछ डिसीजन लिए हैं कुछ नेशन जो हैं एशिया के इन पे सैक्शन लगाने के जिसमें एक है बांग्लादेश ठीक है एक है म्यांमार एक है चाइना ठीक है इन सब कंट्रीज के ऊपर और एक नॉर्थ कोरिया भी है ठीक है इन कंट्रीज के ऊपर यूएस ने किसी न किसी फॉर्म में सैंक्शन लगाए हैं अलग अलग ग्राउंड हैं लगाने के जैसे अभी हम बात करें बांग्लादेश की तो यहाँ पे यूएस ने ये कहा कि बांग्लादेश की एक फोर्स है जिसका नाम है रैपिड एक्शन बटालियन रैपिड एक्शन बटालियन के अगेंस्ट यहाँ पे सेंक्शन इम्पोज किए गए हैं पूरे बांग्लादेश के ऊपर नहीं इस फोर्स के ऊपर यहाँ पे अः uh, लगाए गए हैं और इनका ये कहना है कि बांग्लादेश की जो बटालियन है ये जो फोर्स है इन्होंने सीरियस ह्यूमन राइट अब्यूज किया है ठीक है सीरियस ह्यूमन राइट अब्यूज किया है यहाँ पे आपको पता होगा ठीक okay, है यहाँ पर बहुत ज़्यादा माइग्रेंट इशू हो रहा था यहाँ पे जो माइनॉरिटी है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार वगैरह सब चीज़ें हो रही थी तो इसी को देखते हुए ह्यूमन राइट वायलेशन को ही देखते हुए यहाँ के एक स्पेशल टास्क फोर्स ने ये जो आ, रैपिड एक्शन बटालियन है इसके ऊपर सैक्शन लगाए हैं किसके किसने लगाए हैं यू ने लगाए हैं है। पहली चीज़ तो ये ठीक है अब देखो बांग्लादेश जो है इस साल अपनी फिफ्टीथ एनिवर्सरी मना रहा है मनाने वाला है ऑफ़ लिबरेशन नाइनटीन की वॉर आप सभी को पता होगी ठीक है जिसमें इंडिया पाक वॉर थी जिसमें कि ईस्ट पाकिस्तान जो था वो लिबरेट होके बांग्लादेश बना था अब इसी के कारण आगे जाके मतलब इस इसके कारण बांग्लादेश बना और अब इसको फिफ्टी ईयर्स हो गए हैं तो ये अपनी लिबरेशन डे को सेलिब्रेट कर रहा है फिफ्टी लिबरेशन डे को ऐसे में इस तरह का झटका लगना बांग्लादेश के लिए बहुत ही ज्यादा अपरप था और बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था ठीक है दूसरी चीज ये कि यहाँ पे कहा गया कि गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रही है टेररिज्म फैल रहा है यहाँ से इस एरिया से ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है ट्रांसनेशनल क्राइम्स हो रहे हैं और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो हो ही रहा है तो यूएस ने ये कह के बांग्लादेश के ऊपर यहाँ पे बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन के ऊपर लगाए हैं सैंक्शंस ठीक है पहली चीज तो ये दूसरी चीज ये कि डेमोक्रेसी समिट हुई थी ठीक है कल परसों की ही बात है कि डेमोक्रेसी समिट हुई थी इस डेमोक्रेसी समिट में यूएस ने इंडिया के सॉरी एशिया की कुछ कंट्रीज को इनवाइट किया था जिसमें से इंडिया ने पार्टिसिपेट किया भी ठीक है पाकिस्तान को भी इन्वाइट किया था लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर चाइना का प्रेशर है और चाइना ने पार्टिसिपेट नहीं किया चाइना को तो इन्वाइट ही नहीं किया था तो चाइना ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो, तो पाकिस्तान ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया दूसरी चीज है कि बांग्लादेश को इन्होंने इन्वाइट ही नहीं किया था तो आप समझ सकते हो कि यूएस का अब बांग्लादेश की तरफ टर्न कैसा हो रहा है ओके okay, तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए और दूसरी चीज आगे भी बात करेंगे कि यूएस ने और भी कुछ कंट्रीज के ऊपर सैक्शन लगाए हैं ठीक है तो पहले उसकी बात कर लेते हैं फिर हम इस इश्यू पे आते हैं तो ये पूरा इश्यू एक बार में कंप्लीट कर लेंगे हम ओके तो देखो नेक्स्ट हमारा इसी से रिगार्डिंग एक आर्टिकल है यूएस एस सेंशन ऑन नॉर्थ कोरिया एंड चाइनीज एंटिटीज तो नॉर्थ कोरिया और चाइनीज एंटिटीज के ऊपर भी यहाँ पे यूएस ने सेंक्शन लगाए हैं तो यूएस ने देखो यहाँ पे राइट्स के देखो ये अभी 10 दिसंबर को मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था दस दिसंबर को क्या था तो दस दिसंबर को था ह्यूमन राइट्स डे ठीक है इंटरनेशली इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे था इसी दिन पे ये जो यू ट्रेजरी है इन्होंने सेंशन लगाए हैं ऑन द चार्जेस ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन ओवर द एंटिटीज ऑफ चाइनीस चाइना ओवर द एंटिटी ऑफ बांग्लादेश नॉर्थ कोरिया एंड म्यांमार ओके तो अब इनका कहना यह है यूएस का कहना यह था कि चाइनीज फॉर्म्स जो है स्पेशली फेशियल रिकोगशन टेक्नोलॉजी वाली ये जो है ये वायलेट कर रही है ह्यूमन राइट्स को और दूसरी चीज जो नॉर्थ कोरिया की जाइंट कार्टून स्टूडियो है इसके ऊपर सेंक्शन लगाए तो पर से किसी कंट्री के ऊपर सेंक्शन नहीं लगे हुए हैं यहाँ पे उनकी कुछ कुछ एंटिटीज के ऊपर यहाँ पे सेंक्शन लगे हुए हैं ये आपको समझना है दूसरी चीज आपको पता ही होगा कि यहाँ पे जो यूएस है कंटिन्यूसली चाइना के अगेंस्ट ले रहा है और स्पेशली जो सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है वो है ताइवान का इशू ठीक है ताइवान के इशू के बारे में हमने कल भी बात की थी इसके अलावा एक और इशू जो है वो है जिंगयांग प्रोविंस का उइगुर मुस्लिम्स वाला केस ठीक है यहाँ पे उइगुर मुस्लिम्स जो कि एक माइनॉरिटी है उनको यहाँ पे कहा जा रहा है कि सप्रेस कर रही है गवर्नमेंट ठीक है तो इन्हीं सारे ग्राउंड्स के ऊपर इन्होंने इनके ऊपर सैंक्शन लगाया है ओके अब इसके रिटेलिएशन में चाइना को भी कुछ कहना ही था तो चाइना ने यहाँ पे कहा कि यूएस अपनी बड़ी डेमोक्रेसी की बातें करता है डेमोक्रेसी सबमिट करता है एक्चुअली डेमोक्रेसी और कुछ नहीं है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है ठीक है तो चाइना का भी कुछ रिटेलिएशन बहुत एक्सपेक्टेड था ही कि चाइना ने ये कहा कि आपकी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी नहीं है आपकी डेमोक्रेसी जो है बेसिकली ऑटोक्रेटिक रिजाइम्स को आगे बढ़ाने वाली है एंड ऑल दैट ठीक है तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए और अभी जो है ना देखो दो पोल्स जो है नए तरह के पोल्स देखने को मिल रहे हैं एक साइड है यूएस ठीक है चाएना, और यूएस के अलाइज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया कैनेडा एटसेट्रा यूके और दूसरी साइड है चाइना और चाइना के अलाइज जैसे कि रशिया पाकिस्तान टर्की एटसेट्रा ठीक है तो ये दो पोल्स आपको अब देखने को मिलेंगे हमारे देश में इसको कहते हैं चेंज इन जियो ओके तो ये चेंजिंग जियो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना तभी आप इंटरनेशनल रिलेशन को प्रॉपरली समझ पाओगे और right, तो अब आगे वापिस बात करते हैं जो हमारे पीछे इश्यूज छूट गए उनकी ठीक है तो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था अब आते हैं नेक्स्ट इश्यू पे पीएमओ टेक्स नोट ऑफ चकमा हजोंग सेंसिस तो देखो न्यूज क्या है उसके पहले आए पहले देखते हैं चकमा और हजोंग कौन है ठीक है तो देखो ये आपको जो मैप दिख रहा है ठीक है ये इंडिया का मैप है ठीक है ये नॉर्थ ईस्ट है ये असम है ये अरुणाचल है ठीक है ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना ये है मिजोरम ठीक है ये आपको जो इसके जस्ट नीचे दिख रहा है ये चित्तगोंग हिल ट्रैक्स ये है बांग्लादेश का रीजन और ये बांग्लादेश के रीजन से ये जो ग्रीन वाला रीजन आपको दिख रहा है इसी रीजन से भाग आए हैं हजोंग और चकमास ठीक है और ये आए सबसे पहले लुशाई हिल्स में ठीक है लोशाई हिल्स में नाइनटीन सिक्सटीज में ये आए थे और ये लोशाई हिल्स कहाँ पे है ये है आ, मिजोरम में इसके बाद ये दूसरे दूसरे एरियाज में जाके स्प्रेड हो गए ओके okay, तो ये चकमा एंड हजोंग जो है ये बेसिकली माइग्रेंट्स थे जो कि जिनको की काफी लंबा समय हो गया है यहाँ पे रहते हुए इनकी तीन जनरेशन आज की डेट में इंडिया में रहती है जिसमें से पहली जनरेशन वो थी जो भाग के आई थी बाकी दो जनरेशन का जन्म इंडिया में हुआ है तो वो सिटीजनशिप के पात्र हैं यहाँ पे मतलब सिटीजनशिप यहाँ पर डिजर्व करते हैं बाय बर्थ ओके और आगे बात करते हैं देखो अब चकमा एंड हजोंग है कौन तो चकमा एंड हजोंग जो है ये ओरिजिनली थे हिल ट्रैक्ट के देखो यहाँ पे आपने बात की ना ये है चितौंग हिल ट्रैक जो कि बांग्लादेश का एक साउथ ईस्टर्न रीजन है ठीक है यहाँ के ओरिजिनल रेसिडेंट्स थे ये जो पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था उसमें ठीक है नाइनटीन में क्या हुआ कि यहाँ पे एक डैम था जिसका नाम था कप्ताई डैम

चकमा यहाँ पे बुद्धिस्ट है ठीक है और हजोंग जो है ना ये हिंदूज है तो इसीलिए क्योंकि ये माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इसीलिए इनके ऊपर बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज होती थी ओके तो चकमा है बुद्धिस्ट हजोंग ने हिंदूज याद रखना है. ओके इसके अलावा चकमा एंड हजोंग जो है ये लुशाई हिल्स में सबसे पहले आए जो की मिजोरम में है उसके बाद ये धीरे धीरे दूसरे एरियाज में स्प्रेड होने लगे उस समय जब ये आए थे तब लुशाई हिल्स आसाम में हुआ करता था ठीक है अब हिल ट्रैक में चकमा जो थे वो लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप बना रहे थे उस टाइम पे जो रिलीजियस बेसिस पे देखो तो लार्जेस्ट

हो चुके हैं ठीक okay, है मतलब कि पांच हजार जो थे वो लोग माइग्रेंट्स थे लेकिन उनके आने वाली जनरेशन का बर्थ यहीं पे हुआ है बाकी जो नाइन्टी फाइव थाउजेंड लोग हैं वो इंडिया में ही पैदा हुए हैं इंडिया के ही सिटीजन माने जाते हैं ठीक है अब देखो ये जो है इंडिया के सिटीजन माने जाएंगे अब ये देखो यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जब चकमास आए ठीक है तो उसके बाद यहाँ पे मेजरली लोशाई हिल्स में ये लोग आए थे चकमाजाउ इनको धीरे धीरे फिर नेफा रीजन जो था उस समय जिसको अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है इस रीजन में इनको सेटल किया गया ओके आज की डेट में भी इनके पास

ये चीज तो हो गई पहली हम देखो न्यूज क्या है न्यूज ये है कि यहाँ पे पीएमओ के पास एक कंप्लेन गई है ये कंप्लेन गई है कि यहाँ पे एक सेपरेट सेंसस कंडक्ट कराया जा रहा है हजोंग और चकमास के लिए तो बेसिकली ये कहा है इन कम्युनिटीज ने कि यहाँ पे हमारी रेशियल प्रोफाइलिंग करने की कोशिश की जा रही है ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि हम जो कि अलग रेस से बिलोंग करते, करते हैं अलग ट्राइब अलग एक माइग्रेंट हमको माना जाता है माइग्रेंट कम्युनिटी हमारी अलग से प्रोफाइलिंग करने की कोशिश की जा रही है जो कि बहुत गलत है ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है ये चीज यहाँ पे इन लोगों ने कही है ठीक है तो पी के पास ये बेसिकली ये कम्प्लेन गई है और तो ये बस आपको जानना है कि यहाँ पे अलग से कंडक्ट कराने की बात थी कि यहाँ पे कितने हजा हजा हजोंग और चकमा वाले लोग हैं इनको एक तरह से मेजरमेंट करना था काउंट करना था कि कितने ऐसे लोग हैं सो दैट अकॉर्डिंगली पॉलिसी मेकिंग की जा सके तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक ये आया है कम्पलेन आई है ठीक है और जो चकमास थे ये आए थे 1964 में यहाँ पे और हजोंग जो थे नाइनटीन सिक्सटी में आए थे ठीक है इसके अलावा एक चीज आपको जो पता होनी चाहिए वो है इनर लाइन परमिट ठीक है इनर लाइन परमिट के थ्रू भी काफी सारे लोग आए थे यहाँ पे तो देखो इनर लाइन परमिट क्या है देखो इनर लाइन क्या है एक कंसेप्ट है जो कॉलोनियल रूलर्स लाए थे हमारे देश में ब्रिटिशर्स लाए थे तो बेसिकली इनर लाइन का क्या मतलब है कि ये सेपरेट करता है ट्राइबल पॉपुलेटेड हिल एरियाज को फ्रॉम द प्लेन्स तो ये है नॉर्थ ईस्ट ठीक है नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ एरियाज जो ट्राइबल एरियाज हैं हिली एरियाज है ठीक है जहाँ के कल्चर को हम चाहते हैं कि प्रिजर्व करके रखें हम उसको और मेन लैंड इंडिया जो है उसको यहाँ पे ये डिवाइड करती है इनर लाइन है। और इनर लाइन परमिट का मतलब यह है कि मेनलेन इंडिया से या फिर किसी भी इंडियन सिटीजन को या फिर किसी बाहर वाले एंटर वाले, वाले तो करने के लिए या स्टे करने के लिए इस जगह पे इनर लाइन परमिट की जरूरत लगेगी आज की डेट में कहां कहां पे ये लगता है तो देखो अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मिजोरम और बाद में मणिपुर के भी कुछ एरियाज में ये लगने लगे तो चार स्टेट्स हैं आज की डेट में जहां ये इनर लाइन परमिट वाला चलता है ये ओरिजिनेट कहाँ से किया कह था बंगाल ईस्टर्न फ्रंटायर रेगुलेशन एक्ट 1873 ये एक्ट भी जो था इसका ओरिजिनेटिंग एक्ट है उसके बाद इसको फिर इनर लाइन परमिट कर दिया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस तो ये एक्ट याद रखना बंगाल ईस्टर्न फ्रंटायर रेगुलेशन एक्ट ऑलराइट आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट सिस्टम टेस्ट, टेस्टेड ओके

ठीक है हाउ इंडिया इज वेरी कंपैशनेट इन इट्स सर्विस ठीक है और इंटरनेशनल रिलेशन में किस तरफ हम रियलिज्म को तो साथ में लेते हैं लेकिन अपनी वैल्यूज को भी अपनी इंटीग्रिटी को भी साथ में लेकर चलते हैं हालांकि हमने तालिबान को एक्सेप्ट नहीं किया ठीक है तालिबान को रिकॉगनाइज नहीं किया लेकिन हम वहाँ के लोगों के लिए ह्यूमेनिटेरियन एड पहुंचा रहे हैं इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो right. चलो नेक्स्ट हमारा इशू है पिनाका को लेकर ये पिनाका क्या है तो देखो ये पिक्चर देख रहे हो ये है मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम तो यहाँ पे बहुत सारे रॉकेट्स को या फिर मिसाइल्स को आप एक साथ

के फॉर्म uh, में यहाँ पे वेपन सिस्टम डेवलप किया गया है एडवांस नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम के साथ इसमें पिनाका मार्क टू रॉकेट यहाँ पे मॉडिफाई किया गया है और मिसाइल यहाँ पे बनाई गई है ठीक है और इसमें नेविगेशन कंट्रोल और गाइडेंस सिस्टम भी इन्वॉल्व है तो पिनाका मार्क टू जो है ये रॉकेट है जिसमें नेविगेशन कंट्रोल गाइडेंस सिस्टम भी है जिससे एक्यूरेसी बढ़ सके यहाँ की और दूसरी चीज ये यह, कि यहाँ पे इंटरनेशनल रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम आई जो कि हमारे यहाँ पे नेविगेशन का काम करता है ठीक है रिमोट सेंसिंग का काम करता है ये यूज किया जाएगा पिनाका को गाइड करने के लिए और राइट right. और इसके अलावा यहाँ पे एक आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम कैपेबल ये है ठीक है जहाँ पे सेवेंटी फाइव किलोमीटर्स तक की रेंज के तक हाई प्रसिशन के साथ मिसाइल्स को दागा जा सकता है इस मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम के साथ ओके okay. इसके पहले एक मार्क वन वर्जन भी आया था जिसकी रेंज फोर्टी किलोमीटर्स तक की ही थी ठीक है पिनाका मार्क टू जो आया है सेवेंटी टू एटी किलोमीटर्स तक है तो इसी को हम बोल रहे हैं एक्सटेंडेड रेंज ठीक है एक्सटेंडेड रेंज जो है वो यही है तो पहले मार्क वन आया था अब मार्क टू आया है ठीक है अच्छा इसमें ये है कि ट्वेंटी फोर रॉकेट्स को अलग अलग रेंजेस तक आप पहुंचा सकते हो यहाँ पे ये एक्सटेंडेड रेंज की यहाँ पे कैपेबिलिटी है ठीक है तो एनहांस्ड रेंज जो मार्क पिनाका आया है जिसको टेस्ट फायर किया गया है और तो ये आपको समझ में आना चाहिए पिनाका बेसिकली क्या है आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे सिंपली ये पूछा जाएगा कि प्रीलिम्स में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा पूछता है कि इस पिनाका? आपको दे देंगे कि ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है आपको दे देंगे कि ये कोई ड्रोन है दे देंगे कि कोई मिसाइल है ये दे देंगे कि कोई रॉकेट सिस्टम है मल्टीपल मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है या फिर बोलेंगे कोई सबमरीन है आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि ये है क्या ठीक है बा, बाकी इतनी डिटेल आपसे नहीं पूछेंगे लेकिन एक आइडिया देने के लिए मैंने आपको इतना बताया है ऑलराइट आगे बात करते हैं जी सेवन पुट्स यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट रशिया देखो G7 जो है G7 क्या है यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द एडवांस्ड इकोनॉमीज जिसको आप कह सकते हो डेवलप्ड इकोनॉमीज ठीक है ये बेसिकली इकोनॉमीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है ये सब साथ में मिलकर आए हैं और इन्होंने रशिया के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट जारी किया है ये कहा है कि रशिया जो कर रहा है ना यूक्रेन के साथ वो गलत कर रहा है बेसिकली क्या है कि रशिया यहाँ पे रशिया पड़ता है यहाँ रशिया के पास में फिर यहाँ पे पड़ता है यूक्रेन ठीक है यहाँ पे है ब्लैक सी मैं इसका मैप डालना भूल गई आप लोग जरूर इसको मैप में देखिएगा तो यहां पे है ब्लैक सी और इसके बाद यहाँ पे आता है यूरोपियन यूनियन ठीक है जो यूरोप की बाकी कंट्रीज हैं वो आती हैं और यहाँ पे इस साइड पे आता है वेस्ट मतलब यूएस वगैरह यहाँ पे आता है तो बेसिकली क्या है ना यूक्रेन एक तरह से बफर स्टेट का, का काम करता है बिटवीन यूरोप रेस्ट ऑफ द यूरोप एंड रशिया ठीक है यहाँ पे देखो आपको पता है कोल्ड वॉर जो हुआ था वो मेजरली यूएस के बीच में और यूएसएसआर के बीच में हुआ था यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट होने के बाद मेजर जो पार्टी बची वो थी रशिया और कुछ कुछ छोटे चोट छोटे स्टेट्स में बढ़ गए जैसे कि एक था उसमें यूक्रेन ठीक है अब रशिया की नजर हमेशा यूक्रेन के ऊपर बनी रहती है क्योंकि यूक्रेन एक तो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है कैसे यहाँ पे ब्लैक सी है ब्लैक सी जो है एक बहुत बड़ा मेजर रूट है जहाँ पे काफ़ी सारे पोर्ट्स हैं जो ठंड में भी मतलब ठंड में भी वहाँ से आप जो ऑपरेशन है वो कर सकते हो ठीक है तो इसीलिए यूक्रेन एक इम्पॉटेंट लोकेशन है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स हैं एक है सेवस्ता पुल ठीक है इसके बारे में हम बात करेंगे आगे ठीक है मतलब मैं आ, मैंने आप मैंने आपसे पूछा था कि रशिया यूक्रेन के बारे में एक वीडियो बनाए क्या वो हम बनाएंगे जल्दी आप लोगों ने भी कॉमेंट किया था कि उसकी ज़रूरत है वो मैं बनाऊँगी अभी एक्चुअली मेरी कुछ डेंटल सर्जरी हुई है तो मैं ज़्यादा लेक्चर्स अभी नहीं ले पाऊँगी इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन इसको लेकर मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी अभी एक दो दिन में ही ठीक है तो रशिया यूक्रेन का वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा तो बेसिकली क्या हुआ है कि यूक्रेन को यहाँ पे एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है रशिया ओके अब यहाँ के काफी जैसे क्रीमिया एक जगह है यूक्रेन में जिसको अक्वायर कर लिया है रशिया ने जिसके कारण इसको जी सेवन से पहले जी एट हुआ करता था ये ठीक है जी एट से बाहर निकाल के फिर ये जी सेवन बना है तो जी एट जब था तब रशिया भी था इसका पार्ट अब जी एट जी सेवन कैसे बना कि रशिया को इन्होंने बाहर निकाल दिया जी सेवन कंट्रीज ने बोला कि आप यहाँ पे क्रीमिया के ऊपर अनेक्सेशन क्या है तो आपका अग्रेसिव है बहुत ज्यादा स्टैंड और हम इसको सपोर्ट नहीं करते ठीक है तो ये चीज है इसके कारण यहाँ पे जी ने फिर से इनको लताड़ा है रशिया

यूक्रेन के ऊपर ठीक है क्योंकि यूक्रेन यहाँ पे एक बफर स्टेट का काम कर रहा है अब रशिया यहाँ के ऊपर डायरेक्टली इन्वेड करती है ठीक है रशिया पे बहुत ज्यादा हार्ड पावर का इस्तेमाल करती है और इसीलिए बाकी सारी कंट्रीज जो है उनको काफी दिक्कत है ना जी में भी मेजरली वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोप की डेवलप्ड कंट्रीज है तो इनका के बिल्कुल यहाँ पे है, बहुत ने बोला है, कि जो कर रहा है वो गलत कर रहा है यहाँ पे और यहाँ पे लार्ज स्केल मिलिट्री ऑफेंसिव ने जो दिखा रहा है रशिया वो सही नहीं है ठीक है अभी ब्रिटेन इसको होस्ट कर रहा है G7 की जो समिट है उसको ब्रिटेन होस्ट कर रहा है आप मुझे बताना है इन द कॉमेंट सेक्शन अगले साल इसको कौन होस्ट करेगा ठीक है मतलब नेक्स्ट प्रेसिडेंटशिप जो

सब तो इसके पार्ट से ये यह देखो यहाँ पे देख पा रहे हो ओके okay, तो इसको आप याद कर, सकते हो जूस विथ जी ठीक है तो यहाँ पे जे इज फॉर जापान यू इज फॉर यूएसए आई इज फॉर इटली सी इज फॉर कनाडा ई इज फॉर इंग्लैंड जे जी इज फॉर जर्मनी एंड एफ इज फॉर फ्रांस तो जूस विथ जी इससे आप याद कर सकते हो इसको ओके okay. इससे याद कर सकते हो जी सेवन को अब देखो पहले क्या हुआ कि जी सेवन से जी एट बना था इसमें रशिया को भी इन्वॉल्व किया गया था लेकिन बाद में जी एट से वापस जी सेवन बन गया क्योंकि जी जो बाकी जो कंट्रीज थी उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे रशिया के साथ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएंगे क्यों क्योंकि रशिया जो है काफी अग्रेसिव स्टैंड का है और इसने यूक्रेन के ऊपर गलत तरीके से इन्वेजन किया है और यूक्रेन को यूक्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्रीमिया को इन्होंने एक्वायर कर लिया है एनेक्स कर लिया है तो इसीलिए जी में से रशिया को हटा के जी वापस बन गया ठीक है और जी फिर एक्सपांड हुआ था जी ट्वेंटी में तो नाइनटीन की बात है जब ये देखा गया कि जो जी सेवन कंट्रीज हैं उनको लगता था कि हम ही सब कुछ हैं हम ही वर्ल्ड इकोनॉमी को चला रहे हैं क्योंकि हम एडवांस्ड कंट्रीज हैं लेकिन जब एशियन क्राइसिस आया ड्यूरिंग नाइनटीन नाइन्टीज तब ये पता चला जी सेवन कंट्रीज को कि नहीं हम नहीं चला रहे पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को इमर्जिंग कंट्रीज जो हैं डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं ये इकॉमी को चला रही हैं तो फिर इन्होंने अपना जो दायरा है उसको एक्सपांड किया और जी ट्वेंटी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको शामिल किया गया जिसमें इंडिया भी एक हिस्सा है ओके okay, तो जी सेवन कंट्रीज सारी की सारी और इंडिया भी जी 20 का हिस्सा आज की डेट में जी सेवन का कोई भी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन या कोई हेडक्वार्टर इसका नहीं है और राइट right, अब जी सेवन जी एट कैसे बना ठीक है और जी से वापस जी कैसे बना ये मैं आपको बता चुकी हूँ रशिया को यहाँ पेट में इंक्लूड किया गया था जी में और इसको जी बना दिया गया था लेकिन रशिया के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने यहाँ पे ट्रूप्स भेज दिए ईस्टर्न यूक्रेन में और क्रीमिया को लिया कर लिया 2014 में जिसके बाद 2014 में G8 से बन गया G7 रशिया को बाहर निकाल दिया गया ठीक है और उसके बाद फिर आगे जाके G7 सेवन मतलब G7 सेवन उससे पहले ही G20 में कन्वर्ट हो चुका था लेकिन आज की डेट में जो एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ G7 सेवन एक्जिस्ट करता है जी एट नहीं

यहाँ पे जो न्यूज है वो ये है गैलेक्सी विथ नो डार्क मैटर यहाँ पे डिस्कवर की गई है तो एस्ट्रोनॉमर्स ने एक रिसर्च की जिसके कारण यहाँ पे एक गैलेक्सी पाई गई है जिसका नाम है ए जी सी वन वन फोर नाइन जीरो फाइव ये गैलेक्सी का नाम है और यहाँ पे पाया गया है कि यहाँ पे कोई भी डार्क मैटर नहीं पाया गया है ठीक है तो ये डार्क मैटर क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है ओके तो डार्क मैटर की हम पहले बात कर लेते हैं फिर इस पे आते हैं तो देखो डार्क मैटर क्या है यहाँ पे डार्क मैटर वो है जो डिटेक्ट कभी नहीं होता ठीक है लेकिन एंटायर यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है लगभग नाइनटी फाइव परसेंट जो हमारा यूनिवर्स है वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है सिर्फ पांच परसेंट है जिसमें प्लान सोलर सिस्टम गैलेक्सी ये सब आते हैं ठीक है तो नाइन्टी जो यूनिवर्स है हमारा वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पे बना हुआ है जो कभी डिटेक्ट नहीं होता ठीक है उसको डिटेक्ट करने का कोई सोर्स हमारे पास नहीं है तो इट्स एग्जिस्टेंस प्रिज्यूम बिकॉज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेबल सेलेस्टियल सेलेमिना कुड नॉट बी पॉसिबल इफ द यूनिवर्स डिड नॉट है मोर मैटर देन इट इज सीन तो जितना मैटर हमको यूनिवर्स में दिखता है ना सिर्फ उतना अगर होता तो जो आज फिनमिनाज हो रहे हैं यूनिवर्स में वो हो ही नहीं पाते ऐसा कहते हैं साइंटिस्ट तो यहाँ पे जरूर कोई ना कोई एक्स्ट्रा मैटर भी एग्जिस्ट करता है जिसको कहते हैं डार्क मैटर डार्क मैटर क्यों क्योंकि डार्क है मतलब अनएक्सप्लोर्ड है इसके बारे में हमको ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन मैटर है एग्जिस्ट करता है ओके तो नाइनटी फाइव परसेंट पूरे यूनिवर्स का ये डार्क मैटर बनाता है और ये बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह काम करता है जितने भी मिल्की वे के जितने भी स्टार्स हैं जितनी भी गैलेक्सीज हैं इनको साथ में ठीक है साथ में रखने का काम करता है जितनी भी गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में जितने भी स्टार्स हैं जितने भी सोलर सिस्टम है एक तरह से इनको साथ में रखने का काम करता है ये दूर दूर एक दूसरे से फ्लाई अपार्ट ना हो जाए इसका ध्यान रखता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ये काम करता है ओके okay. यहाँ पे काफी सारे अटेम्प्ट लगाए गए कि डार्क मैटर को हम यहाँ पे डिटेक्ट कर पाए जैसे कुछ अंडरग्राउंड एग्रीमेंट्स हुए एक लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर एग्रीमेंट यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी लेकर आए थे हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सिलेटर है लेकिन ये भी अभी तक इसको यहाँ पर डिस्कवर या इसको डिटेक्ट नहीं कर पाया तो ये तो होगा डार्क मैटर एक होती है डार्क एनर्जी ठीक है डार्क एनर्जी भी वैसी ही है इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं मोर इज दैट इज नोन तो जितना पता है उससे काफी ज्यादा है हमारे बारे में हमारे लिए डार्क एनर्जी के बारे में ओके तो ये डार्क एनर्जी बेसिकली क्या करती है ये यूनिवर्स के एक्सपांशन के पीछे जो फोर्स है ना वो ये है तो देखो एक तो है डार्क मैटर जो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह काम करता है जो यूनिवर्स को

और डार्क एनर्जी जो है एक हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो एक होते, है अगर, तो होते हैं नॉर्थ और साउथ अगर ये काम होता है डार्क मैटर का कि ये करती है दोनों को जो सेलेस्टियल बॉडीज है इनको करने काम करता है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी उल्टा काम करती है जैसे मान लो कि दो मैग्नेट्स होते हैं जैसे साउथ साउथ वाले तो ये कैसे एक दूसरे से रिपेल करते हैं दूर भागते हैं वैसे ही यहाँ पे जो डार्क एनर्जी है वो काम करती है जो सेलेस्टियल बॉडीज है उनको एक दूसरे से दूर खींचती है ठीक है तो बेसिकली यूनिवर्स इससे एक्सपांड होता है तो यूनिवर्स को एक्सपांड करने का काम करती है कौन डार्क एनर्जी और यूनिवर्स को स्टेबलाइज करके रखने का काम करता है कौन डार्क मैटर और राइट उसके बाद देखो दूसरी चीज ये ये अपोजिट काम करती है ग्रेविटी से और यहाँ पे रेट ऑफ एक्सपेंशन एक्सपांशन जो है वो काफी ज्यादा डार्क एनर्जी पे डिपेंड करता है ओके okay. तो दैट्स कॉन्ट्रेडी टू वॉट वन माइट एक्सपेक्ट यूनिवर्स दैट बिगैन इन बिग बैंग तो बिग बैंग में जो हुआ था उससे बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे काम हो रहा है ओके तो इट इज कॉजिंग द रेट ऑफ एक्सपानशन टू ऑफ आर एक्सेलरेट ओवर टाइम देन टू स्लो डाउन तो बेसिकली को एक्सेलरेट कर रहा है देन स्लोइंग डाउन द एक्सपांशन ठीक है तो बेसिकली डार्क एनर्जी और डार्क मैटर मैंने आपको समझाया इस वाले स्लाइड पर वापस आते हैं और देखो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर में डिफरेंस क्या है तो जो हम देख पा रहे हैं प्लैनेट्स मून्स मैसिव गैलेक्सीज ये सब जो है ये जो है एक्चुअल मैटर हमको दिखता है लेकिन इसके जाद, इससे ज्यादा इससे कहीं ज्यादा नाइन्टी फाइव परसेंट तक जो हमको नहीं दिखता है वो है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी इसमें से ट्वेंटी सेवन परसेंट जो है वो डार्क मैटर है और सिक्सटी एट परसेंट डार्क एनर्जी है ठीक है जहां डार्क मैटर सबको और यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं डार्क एनर्जी इन सबको दूर खींचती है एक्सपांशन करती है यूनिवर्स का जैसा कि मैंने बताया तो यहाँ पे आप इस स्लाइड पर भी देख सकते हो कि सिंगल लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट डार्क एनर्जी है सेकंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट डार्क मैटर है ये यूनिवर्स को अपार्ट खींचता है एक दूसरे से दूर खींचता है ये यूनिवर्स को साथ में रखता है यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं होता नॉर्मल मैटर के साथ लेकिन यहाँ पे इंटरेक्शन होता है नॉर्मल मैटर के साथ डार्क मैटर का इंटरेक्शन होता है ग्रेविटी के साथ नॉर्मल मैटर के साथ इसके अलावा ये फिफ्थ फंडामेंटल फोर्स माना जाता है डार्क एनर्जी को फिफ्थ फंडामेंटल फोर्स माना जाता है लेकिन डार्क मैटर को यहाँ पे एंटी uh, मैटर नहीं माना जाता ठीक है डार्क मैटर इज नॉट एंटी मैटर और यहाँ पे ब्लैक होल की तरह इसको ट्रीट किया जाता है ओके okay. तो यहाँ पे ये यह समझना है आपको कि ये जो है फिफ्थ फोर्स है और ये जो है ये एंटी मैटर की तरह काम करता है नॉट एंटी मैटर की तरह ठीक है समझ गए आगे बात करते हैं नेक्स्ट लास्ट इश्यू है हमारा टू ओमिक्रॉन वेरियंट ठीक है तो ओमिक्रॉन जो है खुद एक वेरियंट है इसके बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं तो देखो क्या है ना कि कोविड नाइनटीन आया सार्स को टू वायरस आया सार्स को टू वायरस के काफी सारे वेरियंट आए कैसे वेरियंट आए कोई भी वायरस जब आपकी बॉडी में आना चाहता है ठीक है यह आपकी बॉडी है या आपका वायरस है ठीक है जब ये वायरस आपकी बॉडी में आना चाहता है तो ये अपने आप को यहां पे लाकर रेप्लीकेट करता है ठीक है तभी आपकी बॉडी में फैल पाएगा ट्रांसमिट कर पाएगा इनफेक्ट कर पाएगा आपको तो यहां पे इसको रेप्लीकेट करना पड़ता है खुद को रेप्लीकेट करने के दौरान कई बार क्या होता है कि यहाँ पे एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बन पाती जो ओरिजिनेटिंग वायरस था ओरिजिनल वायरस था उसकी एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बन पाती कई बार रेप्लीकेट करने के दौरान तो क्या होता है कुछ अल्ट्रेशन आ जाते हैं ये अल्ट्रेशन को ही हम कहते हैं म्यूटेशन ठीक है म्यूटेशन कहते हैं और जब ये अल्ट्रेशन ज्यादा होने लग गए तो एक अलग तरह का वेरिएंट बन, बन गया तो जो अलग तरह का वायरस है वेरियंट ऑफ सार्सको टू लेकिन इसमें देखा गया कि सब लीनियज भी है सब लीनियज का मतलब क्या है कि यहाँ पे दो और वेरियंट इसके सब वेरियंट पाए गए हैं तो इसका देखो इसको हम देख रहे थे बी पॉइंट से हम ओमिक्रॉन को डेजिग्नेट कर रहे थे लेकिन इसके दो जो दो सब लीये जाए हैं जिसको हम कह रहे हैं बी ए वन और बी ए टू ठीक है ये दो सब लीनियर जिसके आए हैं सामने ठीक है जिसमें बी ए टू जो है ना वो अभी अभी नया डिस्कवर हुआ है आइडेंटिफाई किया गया है ठीक है तो ओरिजिनल था बी ए वन अभी जो आया है नया वो है बी ए टू ठीक है तो बी ए टू बेसिकली क्या है ये क्लस्टर है सीक्वेंसेस का जिसमें जो म्यूटेशन है वो ज्यादा म्यूटेशन है ठीक है दैट शेयर मेनी द सेम म्यूटेशन एज ओरिजिनल ओमिक्रॉन एंड मिसिंग सम म्यूटेशन सम अदर न्यू वन तो बेसिकली क्या है वेरियंट कैसे बनता है म्यूटेशन के कारण मैंने अभी आपको बताया ना म्यूटेशन के कारण वेरिएंट बनता है ठीक है तो ओमिक्रॉन जो बना ना ओमिक्रॉन जो बी ए वन था ठीक है इसमें जो म्यूटेशन हुए ऐसे ही कुछ म्यूटेशन हुए हैं बी ए टू में लेकिन कुछ ऐसे म्यूटेशन भी हैं जो बी ए वन में नहीं देखे गए लेकिन बी ए टू में देखे गए तो कुछ हद तक इसके कुछ म्यूटेशन अलग हैं बी वन से जो ओरिजिनल पाया गया था ठीक है तो इसीलिए इसको नया लीनियज कहा जा रहा है ठीक है अब ये समझ में आ गया इसके बाद दूसरी चीज ये कि दोनों में कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं जैसे कि जो बी ए टू और बी एन दोनों इक्वल सब लीनियजेस हैं पहली चीज तो ये दूसरी चीज ये की बी ए जो टू है इसमें लगभग एटी सिक्स म्यूटेशन देखे गए तो म्यूटेशन का डिफरेंस है कि एटी सिक्स म्यूटेशन देखे गए जिसमें से चालीस म्यूटेशन तो स्पाइक के स्पाइक प्रोटीन के म्यूटेशन है ठीक है से बारह म्यूटेशन जो है ये नए म्यूटेशन देखने को मिले हैं ठीक है तो ये आपको पे समझ में आनी तो चाहिए कि कि अलग okay, इसके अलावा दोनों को कंपेयर किया जाए तो हजार सीक्वेंसेज मिले हैं बी ए वन के लेकिन बी ए टू के उतने सीक्वेंस नहीं मिले हैं इसलिए बी ए वन जो है वो ज्यादा प्रेवलेंट

ठीक है एस जीन ड्रॉप आउट की हमने बात की थी जिसमें कि एस एस जीन जीन जो जो है जो हमारा है हमारा उसमें S नहीं होता और एस जीन जो है एक तरह का स्पाइक प्रोटीन जीन है है जो नहीं होता पाया जाता तो ओमिक्रॉन जो है बेसिकली इसमें ये एस जीन नहीं होता जो एक्चुअल बी ए वन वाला वेरियंट था उसमें तो क्या होता है ना आरटीपीसीआर में बेसिकली तीन चीजों को यहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है ठीक है इन तीन चीजों में से एक होता है क्या एक चीज होती है एसजीन ठीक है तो ये जब बाकी दो यहाँ पे देखो जब ये तीन आते हैं ना तो तीन आते मतलब समझ में आ जाता है कोविड है इसको ठीक है अगर ये दो आए हैं लेकिन ये तीसरा एसडीन नहीं मिला मतलब कि ये समझ में आ रहा था कि ओमिक्रॉन है इसको ठीक है ओमिक्रॉन वेरिएंट इसको इनफेक्ट हुआ है ऐसा माना जा रहा था लेकिन अब जो बी ए टू है उसमें ड्रॉप आउट पहले था बी ए वन में ओमिक्रॉन के बी ए वन वेरियंट में जो एस जीन ड्रॉप आउट म्यूटेशन था यहाँ पे एस जीन ड्रॉप आउट नहीं है ठीक है मतलब एस जीन यहाँ पे मिलेगा एस जीन एबसेंट नहीं है ये बी ए टू में इसीलिए अब आप आरटीपीसी

और immunity की बात करें तो देखो पे uh, additional seven हुए हैं में लेकिन अभी तक भी इसका sufficient हमारे पास एविडेंस नहीं है कि ट्रांसमिशन कैसा हो रहा है और इम्यूनिटी स्केप कैसा है इसका तो अभी इसके बारे में कुछ भी कहना सही नहीं होगा ठीक है अब दूसरी चीज की ये कि डू द टू सब द पेशेंट आर ट्रीटेड तो क्या है? ये दो नए लीनेज आ गए हैं तो इससे कुछ बदलता है ट्रीटमेंट में तो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं बदलता सिवियरिटी को हमको देखना होगा कि सिवियरिटी कितनी है उस बेसिस पे हम आगे चीजें बता पाएंगे अभी ऐसा कुछ भी अलग से बदल नहीं रहा तो द क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद एनी डिग्री